राइट ब्रदर्स ने जब 1903 में पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में न केवल यात्री हवाई जहाज होंगे बल्कि ऐसी विशालकाय हवाई जहाज भी बनाए जाएंगे जो दूसरे हवाई जहाज, रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी भरकम चीजों को भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में सक्षम होंगे। और सबसे शानदार बात यह है कि जब विमान फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़े हों और दुनिया के सबसे बड़े टैंकों से भी भारी हों, तो यह अविश्वसनीय होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ बड़े एयरक्राफ्ट्स के बारे में। एयरबस बेलुगा एक्स। बेलुगा एक्सएल को पहली बार नवंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। यह विमान दुनिया में मौजूद सबसे बड़े विमानों में से एक है। चूंकि विमान का नाम ही बेलुगा वेल है, इसलिए विमान को एक हस्ती हुई वेल फिश जैसा आकार दिया गया है। यह एक कार्गो प्लेन है जो दूसरे प्लेन और उनके पार्ट्स को यूरोप और चीन के बीच ट्रांसपोर्ट करेगा। इस हस्ती हुई वेल ने इंटरनेट पर अपना जादू बिखेर दिया है और इसकी तस्वीरों को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। हमें यकीन है आपको भी ये प्लेन लुभा गई होगी। V-22 ऑस्प्री। V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम 1989 में शुरू हुआ। इसकी प्रोग्राम कॉस्ट उस समय करीब 22 अरब रुपए थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत रोल्स रॉयस AE-1107C इंजन थे जो ड्राइव शॉफ्ट से कनेक्ट किया गया था। इससे गियर बदलते ही स्पीड बढ़ जाती है। हेलीकॉप्टर में लगे तीन इंजनों को ड्राइव शॉफ्ट से इसलिए जोड़ा गया था जिससे कि किसी इंजन के फेल हो जाने पर बाकी इंजन उतनी ही स्पीड से काम कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुलेट प्रूफ कॉकपिट के ग्लास नाइट विजन है जिसके चलते पायलट अंधेरे में भी बिना लाइट ऑन किए नीचे देख सकता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के दोनों साइड लगे पंखे हवा के रुख के हिसाब से तीन दिशाओं में मुड़ सकते हैं जिससे हेलीकॉप्टर की स्पीड बनी रहे। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि रेस्क्यू के अलावा समय आने पर इनसे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर या अन्य वेपन्स को टारगेट किया जा सकता है। ये M240 मशीन गन और M2 मशीन गन और जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल से भी लैस हैं। एंटोनोव AN-225। ये है दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी प्लेन एंटोनोव AN-225 मरिया। एक बार में ये मैक्सिमम 640 टन वजन ले जा सकता है। ये प्लेन 189,980 किलोग्राम का सिंगल आइटम एयरलिफ्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इस प्लेन में 6 टर्बो फैन इंजन लगे हैं। अगर आपको याद हो तो दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्गो प्लेन अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट के तहत 12 मई 2016 को भारत पहुंचा था। यह फ्यूल रिफिलिंग के लिए हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर उतरा था। MD-160। कभी इस विशालकाय विमान को कैस्पियन सी मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। यह विमान सोवियत विग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बनाया गया था जो 1960 के दशक से शुरू हुए कोल्ड वॉर का हिस्सा था और इस दौरान बना यह अकेला लून क्लास एक्रानोप्लान था जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस प्रायोगिक विमान का उपनाम अमेरिकन जासूसी एजेंसी CIA ने दिया था। जब जासूसी सैटेलाइट तस्वीरों से उन्होंने इस विशाल विमान के पंखों पर KM लिखा देखा तो उन्होंने इसे कैस्पियन मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में इस KM का मतलब कोराबल मार्केट यानी प्रोटोटाइप शिप था। यह विमान 2.5 मीटर तक की लहरों के साथ तूफानी परिस्थितियों में भी उड़ान भरने और उतरने में सक्षम था। लेकिन अब यही MD-160 1990 के दशक के अंत से एक रूसी नेवल बेस पर पड़ा हुआ था, पर अब इसे कैस्पियन सी के तट पर टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर बनाया गया है। सुपर गपी। एयरबस बेलुगा एंटोनोव AN-225, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े विमानों के नाम हैं, जिन्हें भारी भरकम सामान जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इनसे पहले यह काम नासा द्वारा बनाए गए गप्पी सीरीज से किया जाता था। इस सीरीज का पहला एयरक्राफ्ट था प्रेग्नेंट गप्पी। इसी सीरीज का हिस्सा है सुपर गप्पी। यह 14 फीट अतिरिक्त लंबा और इसका कार्गो बे डायमीटर 25 फीट था। इसके इंजनों को अधिक शक्तिशाली और लाइटर वर्शन में अपग्रेड किया गया था। यह विमान 1,70,000 पाउंड वजन लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। यह प्रोपेलर के साथ 4 टर्बाइन इंजनों द्वारा संचालित है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 250 माइल्स पर आवर है। यह विमान 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। BE-200। यह एक उभयचर विमान है, यानी कि यह जमीन और पानी दोनों पर काम कर सकता है। इसमें 4 रिट्रैक्टेबल वाटर स्कूप्स हैं, जिसमें से 2 आगे हैं और 2 पीछे की ओर हैं। कार्गो ले जाने के लिए पानी की टंकियों को जल्दी से हटाया जा सकता है। यह विमान 1.2 मीटर ऊंची समुद्री लहरों से 14 सेकंड में 12 टन पानी निकालने में सक्षम है। नॉर्थरप ग्रमन B-2।
B-2 स्पिरिट दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर माने जाते हैं। यह बमवर्षक विमान 1716 B-61 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाले B-61-12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। यही नहीं, यह दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। यह दुश्मन की जमीन पर हमला करने के लिए सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। अमेरिका के पास कुल 20 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं। यह बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर यह 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। स्ट्रट लॉन्च। इस एयरक्राफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलर की कंपनी ने बनाया है। CNN के अनुसार विमान के पंखों का फैलाव 385 फीट है और यह 238 फीट लंबा है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। यदि आप स्ट्रैटलॉन्च को फुटबॉल के मैदान पर रखते हैं तो इसके पंख गोल पोस्ट्स के दोनों तरफ 12.5 फीट अतिरिक्त होंगे। यह धरती पर किसी भी हवाई जहाज की तुलना में सबसे ज्यादा चौड़ा है और इसका वजन 5,00,000 पाउंड के करीब है। ये एयरक्राफ्ट रॉकेट्स को स्ट्रेटोस्फेयर तक ले जाकर ड्रॉप कर देगा, जहां से उन्हें अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा करने से जो फ्यूल रॉकेट को पृथ्वी के ग्रेविटी को पार करने में उपयोग होता है, उसे बचाया जा सकता है। स्ट्रैटलॉन्च एक बार में 3 छोटे प्रक्षेपण यान ले जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यदि ऐसा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू।